नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट फोर, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात कोरोना के घटते मामलों की। तो यूपी में कोरोना के नए केसों में लगातार कमी आ रही है। तो बीते 24 घंटे में 2500 से ज्यादा कम केस मिले हैं और एक दिन में 15,000 नए मरीज, 26,000 ठीक हुए, यानी जो रिकवरी रेट है वो भी बेहतर हो रहा है, वो बढ़ रहा है और केसेस कम हो रहे हैं। ये एक राहत भरी खबर उत्तर प्रदेश में। तो यूपी में एक्टिव केसों की संख्या 2,00,000 से कम हुई, तो एक बड़ी राहत भरी खबर। लॉकडाउन का दिख रहा असर और सरकार ने जो कदम उठाए उसका भी सकारात्मक पहलू अब निकलकर सामने आ रहा है। लखनऊ की बात करें तो बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना के मामलों में कमी आई है। कल के मुकाबले तकरीबन 2,500 मामले कम आए हैं। बीते 24 घंटे में 15,000 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। पहली बार सक्रिय मामले 2,00,000 से कम हुए हैं और अब सक्रिय मामले 1,93,000 ही बचे हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 2,63,000 टेस्ट किए गए। तो टेस्ट बढ़ रहे हैं, वैक्सीनेशन चल रहा है, रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है और केसेस कम हो रहे हैं। तो एक दिन में 15,000 के आसपास केस दर्ज हुए हैं यूपी में बीते 24 घंटे में। तो एक्टिव केसेस की संख्या भी अब 2,00,000 के नीचे पहुंच गई है। ये एक बड़ी राहत भरी खबर है और जो कदम उठाए गए और साथ में जो लॉकडाउन है उसका असर अब दिखने लगा है। तो 26,000 मरीज बीते 24 घंटे में ठीक हुए हैं और 15,000 के आसपास केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है, वैक्सीनेशन चल रहा है। सहयोगी शैलेश अरोड़ा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, बीते 24 घंटे में 2,500 से कम केसेस दर्ज हुए पिछले दिनों के मुकाबले, अगर बात करें 15,000 के आसपास केसेस दर्ज हुए हैं, कितनी बड़ी राहत और जो कदम उठाए गए, जो कड़े कदम उठाए गए और जो लॉकडाउन है कहीं ना कहीं उससे रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है और केसेस कम हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सही बात है कि कहीं ना कहीं इसमें देखिए कई फैक्टर्स हैं जिनका असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ अगर बात करें कोरोना कर्फ्यू, दूसरा एक ही एक्सपर्ट हमेशा कहते हैं कि जब भी ये संक्रमण पीक पर जाता है, तो कोई भी संक्रमण तो पीक के बाद वो वापस नीचे गिरना शुरू होता है उसी तेजी के साथ में। तो दो चीजें यहाँ पर है, एक अगर हम बात करें 24 अप्रैल की, तो उस समय लगभग प्रदेश में 24 घंटे में 38,000 के आसपास केस आए थे, अप्रैल के थर्ड फोर्थ वीक के बीच की हम बात करें, और उसके बाद ये लगातार डिक्लाइन देखने को मिला, केसेस जो थे वो कम होते हुए नजर आए हैं। और अब ये घट के संख्या जो है, आज अगर हम बात करते हैं कि पिछले 24 घंटे क्या आई है, तो 15,000 तक सिमट कर रह गई है 24 घंटे में। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं तो वो है कोरोना कर्फ्यू जो इस समय लगा है। कोरोना कर्फ्यू है, देखिए कुछ लोग हैं जो लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन इन सबके लापरवाहियों के बावजूद अगर हम ट्रैफिक मूवमेंट देखें, लोगों का निकलना देखें, तो बहुत कम हुआ है। तो जाहिर सी बात है जब मूवमेंट कम होगा, लोगों का निकलना कम होगा, लोगों का मिलना जुलना कम होगा, तो ऐसे में केसेस में गिरावट देखने के लिए मिलेगी। और अभी आपको हम और बताएं अपने दर्शकों को कि आने वाले एक दो दिन में ये चीज देखने को मिलेगी, जाहिर सी बात है एक्सपर्ट की माने कि केसेस की संख्या अभी और कम होती जाएगी, यानी फिलहाल इसका डिक्लाइन ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा। 17 तारीख तक जो अभी कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, 17 तारीख के बाद ये चीज जरूर गौर करने वाली होगी कि उसके बाद क्या ट्रेंड देखने को मिलता है। लेकिन इतना तय मानकर चलिए, जब तक कोरोना कर्फ्यू है, एक्टिविटीज पर पाबंदियां हैं, तब तक ये इसी तरह से केसेस कम होते जाएंगे। और ये राहत की बात यह है कि केसेस कम होंगे तभी लोगों को बेहतर इलाज मिल पाएगा। और हमने वो भी देखा जब पीक पर था पूरा कोरोना का संक्रमण, उस समय किसी को बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो एक तरफ संसाधनों की कमी, दूसरी तरफ एकदम से बहुत तेजी के साथ आंकड़ों का बढ़ना। लेकिन अब संसाधन भी बढ़ाए जा रहे हैं और कोरोना के मामले गिरते जा रहे हैं, तो लोगों को बेहतर इलाज मिल रहा है, बेड मिल रहा है, ऑक्सीजन। निश्चित तौर पर शैलेश, संसाधन बढ़ रहे हैं, कोरोना केसेस घट रहे हैं, रिकवरी रेट बेहतर हुआ है, ये एक राहत भरी खबर है। और आने वाले दिनों में इसी तरह से जो कोरोना के जो केसेस हैं वो उसमें डाउनफॉल, उसमें डिक्लाइन देखा जाएगा, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि लोग भी जागरूक हो रहे हैं और जो लॉकडाउन लगाया उसका असर दिख रहा है। लेकिन हमने अपने दर्शकों को हेडलाइंस में भी एक बड़ी और अहम खबर बताई, एक ब्लैक फंगस का जो दहशत है, जो उसका खौफ है, वो अब देखने को मिल रहा है। लखनऊ में भी एक महिला की मौत हुई, मथुरा में बात करें 3 केसेस जो हैं उसकी पुष्टि हुई है। जो बड़ी चुनौती है वो है ब्लैक फंगस की,
और इस ब्लैक फंगस की चुनौती को देखते हुए ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव चिकित्सा को बोला है कि वो जो राज्य स्तरीय परामर्शदाता समिति देखते हैं, वो 12 लोगों की समिति है जिसमें सिर्फ मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग मेडिकल इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं, डीसी हैं। उनसे ये कहा गया है वो इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट तैयार करें, यानी कि किस तरह का ये संक्रमण है, किस तरह के इसके। चलिए, कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस की जो चिंता है वो अब बढ़ने लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं देश में कोरोना के आंकड़े सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 3,43,000 नए मरीज मिले हैं और 4,000 की मौत हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक एक्टिव केसों की संख्या 37 लाख से ज्यादा है और लगभग 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहां आंकड़ों में लगातार कमी आ रही है। एक दिन में 15,000 नए मरीज मिले तो साथ में ऑक्सीजन संकट भी लगभग अब खत्म हो चुका है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। देश में कोरोना का कहर अभी जारी है। बीते 24 घंटे का कोरोना मीटर, जिसमें 3,44,776 नए केस सामने आए और 4,000 मौत हुई हैं कोरोना से, लेकिन मौजूदा मरीज जो हैं 37 लाख अब भी हैं एक्टिव केस और 24 घंटे में कोरोना का यह मीटर है 3,44,776 केसेस और 4,000 मौत हुई हैं। ये पूरे देश का आंकड़ा है, पूरे देश का कोरोना मीटर है बीते 24 घंटे का। तो कोरोना का कहर शहरों के बाद अब गांव में भी देखने को मिलने लगा है। अंबेडकर नगर में एक ही गांव में 32 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। मामला दियाव ब्लॉक के बिलारी गांव का है, जबकि पूरे ब्लॉक में एक दिन में 67 कोरोना मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए हैं। एक साथ कोरोना के इतने मामले सामने आने के बाद गांव को सील कर दिया गया है और वहां सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। गांव के घर, हर घर में आरटीपीसीआर टेस्ट का काम भी अब शुरू कर दिया गया है। तो एक बड़ी खबर यहां पर, अंबेडकर नगर के गांव में कोरोना का विस्फोट। एक साथ इतने मामले, एक साथ भियाव ब्लॉक के गांव में 32 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप। पूरे ब्लॉक में एक दिन में 67 कोरोना के मामले सामने आए हैं। पूरे गांव को सैनिटाइज शुरू कर दिया गया है। पूरे गांव को की बैरिकेटिंग की गई है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और हमारी आरआरटी भी सतर्क है, ये अपनी सैंपलिंग लेने के लिए यहां तैयार हैं। प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति की ली जाएगी और भी अगर कुछ निकल जाएंगे तो उनके, और सारी मेडिकल किट, सारी व्यवस्था जो यहाँ उपलब्ध है, पूरे गाँव को बैरिकेट कर दिया गया। सर, गाँव के लिए खाद्यान्न की क्या व्यवस्था है? खाद्यान्न के लिए व्यवस्था किया गया है, एक जो है स्वचालित गाड़ी पे सब्जी और कच्चा खाद्यान्न इन लोगों को स्वयं पहुंचाया जाएगा। तो यज्ञेश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस बड़ी और अहम खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं अंबेडकर नगर से। यज्ञेश, एबीपी गंगा ने कल ही 75 जिलों के 150 गांव की पड़ताल दिखाई थी और अब आप नतीजा देख सकते हैं। यहां पर अंबेडकर नगर में एक साथ इतने मामले रिपोर्ट हुए हैं, फिलहाल क्या स्थिति है और क्या लग रहा है, अब आरटीपीसीआर टेस्ट जो है घर घर शुरू हो गए हैं? जी, हम आपको बता दें, ये बिलारी गांव पड़ता है गांव ब्लॉक में, जहां एक साथ 32 लोग पॉजिटिव पाए गए, उसको देखते ही प्रशासन में हड़कम पड़ गया। हालांकि अभी फिलहाल गांव को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें फिलहाल तो उस समय सुबह तक तो नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन जब आला अधिकारी वहां पहुंचे, आनंद पानन में स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी वहां पहुंची और डीएम का ये कहना है कि सबकी आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा, एक एक गांव में टेस्टिंग की जाएगी और किसी भी व्यक्ति को वहां से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा जबकि सबका टेस्ट नहीं होता, सबकी रिपोर्ट नहीं देख ली जाती है और जो भी सामान आवश्यक वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी वो उन लोग को। यज्ञेश, ऐसे में ये जानना अहम है क्योंकि गांव का मामला है, ब्लॉक का मामला और इतने सारे केसेज हैं, वहां सुविधाएं किस तरह की, अगर गंभीर लक्षण वाले मरीज हैं क्या उनको भी घरों में आइसोलेट किया गया है, उनके लिए क्या व्यवस्था है? जी, आपको बता दें ज्यादातर मरीज जो इसमें मिले हैं पॉजिटिव, उनके अंदर लक्षण नहीं दिखाई पड़े हैं, लक्षण कोई नहीं है लेकिन रिपोर्ट उन लोग की पॉजिटिव आई है। प्रशासन का ये कहना, स्वास्थ्य विभाग की टीम का कहना है कि हम लगातार जांच के लिए लगे हुए हैं, जो भी जरूरत पड़ेगी, जो भी व्यवस्था होगी वो हम करेंगे। जो मरीज के अंदर अगर किसी में लक्षण दिखते हैं, ज्यादा परेशानी होती है, तो उसको तत्काल जिला अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा और लोगों को जिनको लक्षण नहीं है, जिनकी तबीयत ठीक है, उनको घर में ही होम आइसोलेशन के लिए दिया जाएगा और उनको किट प्रदान की जाएगी, सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जी जी, शुक्रिया यज्ञेश इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सहयोगी यज्ञेश, हमें बता रहे थे कि फिलहाल गंभीर लक्षण किसी भी मरीज में नहीं मिले हैं लेकिन जांच के बाद इतने मामले सामने आए हैं और अभी मरीजों को घरों में ही आइसोलेट किया गया है और आरटीपीसीआर जांच जो है अब घर घर की जा रही है।
तो एक तरफ गांव में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर लोग मानो खुद संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। ऐसे ही एक तस्वीर बलिया से सामने आई, जहां मुंडन संस्कार के दौरान आज गंगा घाट पर लोगों का जमघट लगा हुआ नजर आया। भारी भीड़ जुट गई, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। ये तस्वीरें बलिया के बैरिया तहसील के दुबे छपरा गंगापुर और चौबे छपरा गंगा घाट की हैं, जहां गंगा नदी के घाट पर मुंडन संस्कार के दौरान लोग कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते दिखे हैं। यहां जुटी भीड़ में लोग बिना मास्क पहने नजर आए, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर तार तार होती दिखी। कोरोना संकट काल में ऐसी खौफनाक वायरल तस्वीरें उस वक्त सामने आई हैं जब इस जिले में 369 कोरोना के नए संक्रमित लोग मिले हैं, 3062 कोरोना के एक्टिव केस इस जिले में हैं, और बलिया में अब तक 203 व्यक्तियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, लोगों ने मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा। मुंडन संस्कार में मानो पूरा का पूरा गांव ही उमड़ पड़ा है, तो लोगों को कोरोना का यहां पर जरा भी खौफ नहीं है। इस तरह की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर अगर कोई पॉजिटिव हुआ तो वो कितने लोगों को संक्रमण फैला सकता है। यूपी में एक तरफ कोरोना से त्राहिमाम मचा है और अब ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है, जो कोरोना से ठीक हुए मरीजों को अपना शिकार बना रहा है और उनकी आंखों की रोशनी पर सीधा अटैक कर रहा है। एक हफ्ते के अंदर यूपी समेत देश भर में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ब्लैक फंगस का खतरा डायबिटीज बढ़ने वाले कोविड मरीजों को ज्यादा है। तो ब्लैक फंगस का खतरा कितना ज्यादा है वो हम आपको बता रहे हैं। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, लखनऊ में ब्लैक फंगस से एक महिला मरीज की मौत हुई है। खांसी बुखार और पेट में दर्द होता है, स्किन में इंफेक्शन होने पर कालापन आ जाता है, तो सांस लेने के अलावा पेट दर्द और उल्टी भी होती है। यह फंगस रोगियों के दिमाग पर भी गहरा असर डालता है, आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ता है। तो यूपी में ब्लैक फंगस के मामले अब सामने आने लगे हैं। लखनऊ में लोहिया संस्थान में ब्लैक फंगस से एक महिला की मौत हुई है। कई शहरों में ब्लैक फंगस के मामले मिल चुके हैं, तो मथुरा में कोविड से ठीक हुए 3 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद समेत कई जिलों में ब्लैक फंगस के मामले मिल चुके हैं। वहीं नोएडा के कैलाश अस्पताल में भी ब्लैक फंगस का एक मामला सामने आया, जहां बरोला गांव के रहने वाले एक शख्स कोविड से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस का शिकार हुए हैं और उसकी आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी है। कोरोना संक्रमण अब लोगों पर डबल अटैक कर रहा है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वहीं ब्लैक फंगस का भी शिकार हो रहे हैं। नोएडा में भी ब्लैक फंगस का एक मामला सामने आया है, जिसके उपचार के लिए नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में मरीज को भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, नोएडा के बरौला निवासी मांगेराम शर्मा को 15 दिन पहले कोरोना संक्रमण हुआ था, लेकिन 4 दिन बाद ही उनके आंखों की रोशनी कम होने लगी, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें उपचार के लिए मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, लेकिन जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो उन्हें निकाल कर नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त हम नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, जहां मांगेराम शर्मा का उपचार चल रहा है। उनकी स्थिति कैसी है और डॉक्टरों का क्या कहना है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ उनके बेटे मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पिता की क्या स्थिति है इस वक्त। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन शर्मा है। और नितिन जी, ये बताइए कि आपके पिता की क्या स्थिति है, उनके आँखों की रोशनी वापस आई है या अभी भी रोशनी नहीं आई है? नहीं सर, अभी नहीं आई है। जो आँखों के डॉक्टर हैं उन्होंने देखा है तो बोले कि मतलब आँखों का जो विजन है बिल्कुल चला गया है और दोनों आँखें उनकी बंद हो चुकी हैं, दोनों आँखें खुल नहीं रही है, वो बिल्कुल देख नहीं पा रहे हैं। और डॉक्टरों ने यही कहा है कि विजन तो बिल्कुल गया है, बाकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आपने देखा कि उनके परिजनों का कहना है कि डॉक्टर उपचार कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि डॉक्टरों की टीम का साफ तौर से कहना है कि ब्लैक फंगस इन्हें काफ़ी हद तक अपनी जद में ले चुका है, लिहाजा उपचार किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उन्हें स्वस्थ कर लिया जाएगा, लेकिन अभी जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हैं।
नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट बीरपाल के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। तो नोएडा के बाद मथुरा में भी ब्लैक फंगस के 3 मामलों ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है, जिनमें 2 मरीजों को ट्रेस कर लिया गया है और तीसरे की जानकारी जुटाई जा रही है। ब्लैक फंगस की चपेट में आए 3 में से 2 मरीज कोविड से ठीक हुए थे, जिसके बाद उन्हें इस वायरस ने भी घेर लिया और आंखों से कम दिखने की शिकायत हुई। नोएडा के बाद मथुरा में भी 3 केसेस सामने आए हैं। मैंने माँ को 23 अप्रैल को भर्ती किया। माँ ने बोला कि 25 अप्रैल से ही मेरी रोशनी चली गई थी। मैंने वहाँ की नर्सों के स्टाफ से भी बोला, डॉक्टर से भी बोला, सभी लोगों से बोला, लेकिन उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। देखिए, 3 लोग अभी तक हमारे पास संज्ञान में आए हैं और 2 के हम 2 लोगों से हमारी बातचीत भी हो चुकी है, उनकी हम डिटेल और रिपोर्टें मंगा रहे हैं। देखिए, जनरली मरीज जो शुरू में जब कोविड पॉजिटिव होता है या जो लोग कोविड पॉजिटिव है और साथ में डायबिटिक भी हैं, तो उसके साथ जो अगर जब सही हो जाते हैं, कई लोगों में सही होने के बाद भी जब शुगर लेवल हाई रहता है, तो ऐसे लोगों में क्या होता है, नाक में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फिर कहीं भी एक एब्सिस टाइप की बनती है, तो उसमें ये फंगस है वो मल्टीप्लाई और ग्रोथ करने लगता है। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद खास तौर से कोरोना संक्रमित मरीजों को ब्लैक फंगस नाम की बीमारी ने जकड़ना शुरू कर दिया है। बिजनौर में भी ब्लैक फंगस के मरीजों ने दस्तक देने शुरू कर दी है। इलाज के अभाव में मजबूरन निजी ENT चिकित्सकों को मरीजों को बाहर इलाज के लिए भेजा जा रहा है। पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर 10 से ज्यादा मरीज ब्लैक फंगस के सामने आए हैं। खास तौर से ये वो मरीज हैं जो कोरोना संक्रमित शुगर के मरीज हैं और बिजनौर में ब्लैक फंगस की दवा की कमी की वजह से डॉक्टर मरीजों को बाहर इलाज कराने की सलाह दे रहे हैं। कोरोना संक्रमित को डॉक्टर ने सलाह दी है कि रोजाना शुगर लेवल अपना चेक कराएं, ऑक्सीजन लेवल कम होने पर घर पर ऑक्सीजन बिल्कुल लेने की कोशिश ना करें और कोरोना संक्रमित होने पर स्टीरॉयड्स की दवा लेने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। पोस्ट कोरोना पेशेंट्स में, यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स में, जिनको ज़्यादा जल्दी स्टेरॉयड चलता रहता है, ज़्यादा जल्दी स्टेरॉयड हो जाता है, उनमें ज़्यादा कॉमन है और ये आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जो पहले साल में 1-2 मरीज आता था, वो हमने पिछले 10-15 दिन में करीब 10 मरीज देख लिया और आज सुबह से 2 मरीज देख चुका हूँ, तीसरे का फोन आया है। आज सुबह से भी 3 मरीज समझ लीजिए सुबह से फंगस के आ गए। लेकिन मजबूरी यह है कि बिजनौर में अभी दवाई अवेलेबल नहीं है, एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन लगते हैं। तो ब्लैक फंगस ने भी अपने दस्तक दे दी है और कई मामले सामने आ चुके हैं कई जिलों से। ऐसे में हम यही कहेंगे कि अगर आप डायबिटिक हैं और कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं तो अपना खास ध्यान रखें। आज चित्रकूट की जिला जेल में हुए गैंगवॉर में एक कैदी ने जेल में ही बंद 2 कुख्यात अपराधियों मुकीम काला और मिराजुद्दीन की हत्या कर दी। जेल में हुई गैंगवॉर की इस वारदात से पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई है। इस बीच पुलिस ने दोनों अपराधियों की हत्या के आरोपी अंशुल दीक्षित नाम के अपराधी को भी जवाबी कार्रवाई में मार गिराया है। घटना के बाद DM, SP पूरी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर है। वहीं चित्रकूट जेल में हुई गैंगवॉर मामले का CM योगी ने भी संज्ञान लिया है और इस मामले में ACS गृह के साथ एक बैठक की है। हेलो, वक्त 9:30 बजे के करीब जेल सुप्रिंटेंडेंट द्वारा सूचना दी गई कि एक बंदी द्वारा अपने सहबंदियों पर फायरिंग की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल गांव DM साहब और साथ में पूरी जनपद की पुलिस बल जो है वो यहाँ घटनास्थल पर आए। जब घटनास्थल पर पहुँचे तो उस बंदी द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग की जा रही थी और मौके वारदात पर 2 बंदियों को उसके द्वारा गोली मार दी गई। इस पर हमारे द्वारा पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई और उक्त अभियुक्त, जिसका नाम बाद में अंशु दीक्षित पता चला, उसको आत्मसमर्पण हेतु बताया गया। बार बार उसे सरेंडर के लिए कहे जाने के कारण उसके द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया गया, परंतु पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा उक्त अभियुक्त पर फायरिंग की गई, जिससे उसको गोली लगी।
हम लोग स्वयं घटनास्थल पर मौजूद है। फील्ड यूनिट यहाँ आ गई है। उक्त अभियुक्तों में से जो मरे हैं उसमें एक का नाम नितिन काला जो कि शामली का रहने वाला था के रूप में चिन्हित हुआ। और इसी के साथ न्यूज एट फोर खबरों के सफर में अभी बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी हैं। दीजिए इजाजत। नमस्कार।